हाँ सही बात है भाई, हम व्रत रखते हैं तो भगवान क्या चाहते हैं, हम व्रत रखें, तड़पे हम लोग हैं। ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जिनको खुशी मिलेगी कि हमारे बच्चे जो है व्रत रखें तड़पें। फिर भगवान बड़ी खुशी होगी, हाँ मेरे पेट में बड़ी गुदगुदियाँ हो रही हैं, अरे वाह, अरे तो ये बिना खाए पिए तड़प रहा है और ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। क्या भगवान ऐसे होंगे? क्या भगवान कोई साइको आदमी है? नहीं। व्रत का प्राइमरी पर्पस होता है इंक्रीजिंग द रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड टू द एक्सटेंट कि हम खाना पीना भूल जाएं। ये व्रत का वैसे मतलब होता है। लेकिन अगर खाना पीना कम करके आपका भक्ति भजन में मन नहीं लग रहा तो भगवान कहते चलो भाई फल इत्यादि कुछ खा लो, व्रत वाला कुछ खा लो, लेकिन भक्ति भजन कर लो। सो बेसिकली स्टारवेशन इज नॉट द अल्टीमेट एम ऑफ फास्टिंग। स्टारवेशन इज नॉट द अल्टीमेट एम। अल्टीमेट एम है क्या? रिमेम्बरेंस, एक्सेसिव रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड टू द एक्सटेंट कि हम खाना सोना पीना भूल जाएं। ये व्रत का रियल मूड होता है एक्चुअली। ओके और होता क्या है, कुछ चीज़ें कुछ जहाँ पर जैसे होता है ना सम ऑफ द बैंक्स जिसमें आप इन्वेस्ट करिए बहुत बड़े रिटर्न आते हैं, कहते हैं अरे भाई 20% रिटर्न दे रहा है यार, 20%, अरे यार डाल भैया पैसा डाल यार, और क्या नहीं तो 3 साल में डबल कर दे गए। तो ऐसी जगह जहाँ रिटर्न्स हैवी ड्यूटी होते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस तरह से कुछ खास दिन है जैसे एकादशी, जन्माष्टमी, ये हैवी ड्यूटी रिटर्न्स के दिन है। क्योंकि हैवी ड्यूटी रिटर्न्स के दिन है तो इसलिए इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो भगवान ने कुछ स्पेशल कृपा के मर्सी के पावर प्लग्स बनाए हैं, पावर स्विचेस बनाए हैं, अगर उनमें हम प्लग इन करेंगे वी गेट सुपर डुपर मर्सी, नहीं करेंगे वी कैन लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ, राइट। लेकिन अगर करेंगे फायदा किसका होगा? हमारा फायदा होगा बेसिकली। तो इसीलिए व्रत में भगवान ही जा रहे हैं आप स्टार्व करो, बट अल्टीमेटली दोज डेज आर फॉर एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेटेड रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड टू द एक्सटेंट वी दैट यू फॉरगेट ईटिंग स्लीपिंग एंड ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट, बॉडली नीड्स के परे जाने के लिए एक ही प्रयास है और कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान ही चाहते हैं हमको तड़पाना, नहीं नहीं नहीं, भगवान ने बल्कि कृपा के कुछ स्पेशल दिन बनाए हैं सो दैट वी कैन टेक मोर मर्सी, वी कैन टेक मोर एडवांटेज, वी कैन ग्रो मोर ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। तो इसलिए ये जो तपस्या करना है, ये तपस्या करना हमारे लिए अच्छा है। इवन आप देखो जो लोग व्रत रखते हैं इवन फिजिकली दे बिकम हेल्दियर, बिकॉज हमारी डाइट में अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ईथर भी होना चाहिए, आकाश तत्व, आकाश भी खाना चाहिए हमें। हम आकाश तत्व कब खाते हैं? जिस दिन हम व्रत रखते हैं, दैट डे वी आर टेकिंग एयर एंड वी आर टेकिंग ईथर। सो ईथर से डाइजेशन होता है। जितने लोगों का डाइजेशन खराब है इफ दे जस्ट हैव दिस दैट इज स्टार्ट टेकिंग ईथर, दैट मीन्स फास्टिंग रेगुलरली, उससे बॉडी हेल्दी रहती है। इवन आज नेचुरोपैथी है, इसमें 16 घंटे की फास्टिंग रिकमेंडेड है हर रोज। इसका मतलब है आप शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाइए और आप अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाइए, तो कितने हो गए 16 घंटे। 16 घंटे का फास्ट रखिए, आपका क्लियरिंग अच्छी से होगी, नो कॉन्स्टिपेशन, यू विल मोर हेल्दी। ये जो जिनका तोन निकल आई होती है ना पोस्ट पेड कनेक्शन, उनका प्रीपेड हो जाएगा, प्रीपेड कनेक्शन। तो पोस्ट पेड इसलिए चलते, झगर 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 घपा घप ढगर 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 चलता रहता है सर, फैक्ट्री को आराम देना होता है। सो हर रोज 15 घंटे की फास्टिंग कम से कम जरूर करिए एंड यू विल बी हेल्दियर, यू विल बी हेल्दियर। सो फास्टिंग करके शारीरिक लाभ भी मिलता है, मानसिक लाभ मिलता है, आध्यात्मिक लाभ मिलता है। सो स्टारवेशन इज ऑल्सो गुड बट स्टारवेशन इज नॉट द गोल ऑफ फास्टिंग। पर स्टारवेशन का पर्पज क्या है? मोर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, ये है उसका पर्पज बेसिकली। ठीक है जी।